संदीप दुबे, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिसका जिक्र केबी त्रिपाठी जी ने किया। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से वो जो खाली कुर्सियों का जिक्र किया जा रहा है वो तस्वीरें प्लीज प्ले करिए। अब मैं उस विषय पर इसलिए आगे बढ़ रहा हूं संदीप दुबे, क्योंकि यही तस्वीरें बार बार कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। संदीप दुबे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर फिरोजपुर का ग्राउंड है और बीजेपी ने दावा किया था कि 2 लाख लोग पहुंचेंगे, और केबी त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए वापस लौटे क्योंकि ये कुर्सियां खाली थी। संदीप दुबे जी को स्क्रीन पर लाएं आप। तिलक चावला जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके समय की जांच करी जाए कि कितने पहले आप की तो केंद्र सरकार में है और आपकी पार्टी वहां पे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, आपको खबर। एक मिनट केबी त्रिपाठी जी, पहली बार मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जहां पर रैली होने वाली है वो रैली रद्द हो जाती है, वो रूट पर आधे रास्ते से वापस लौट आते हैं। जो तस्वीरें कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही असली वजह है कि कुर्सियां खाली थी, मौसम नाराज नहीं था, किसान भी नाराज थे, इस वजह से ये पूरे का पूरा ग्राउंड खाली था। तिलक जी, बात इसका है कि कब की पिक्चर है, ये किस समय की फोटो है, इस तरह सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के रैली को बदनाम करने की जो कांग्रेस साजिश रच रही है या कांग्रेस द्वारा इस तरह का प्रायोजित जो काम हो रहा है, ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि राजनीतिक तरीके से प्रधानमंत्री जी को उनके यश किसानों की नाराजगी थी को, वो विकास परियोजनाओं की सौगात देने मैं उसी पर आ रहा हूं। आप सवाल सुन लीजिए, दो बरस के बाद देश के प्रधानमंत्री पंजाब में कूच करते हैं, पंजाब की तरफ। मेरे सवाल को गहराई से समझिएगा, जून 2020 जब आप कानून लेकर आते हैं तब उसके बाद से आप पंजाब की तरफ कूच नहीं करते, ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि 3 कानून लाए गए, उसको शक्ल दी गई, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए और अब वो गए। तो क्या वाकई किसानों की नाराजगी भी एक वजह थी? क्या किसानों की नाराजगी भी एक वजह थी जिसे आप नकारेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री से नाराज है, किसानों के जो भी मांग थे, किसान जिस तरह से चाहते थे, सर प्रधानमंत्री ने शर्त स्वीकार किया। पक्का? आज किसान तो प्रधानमंत्री जी से खुश हैं। पक्का? प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। पक्का? ये तो एक पूरी की पूरी एक प्रायोजित है, और प्रायोजित जिस तरह से कांग्रेस ने इसका प्रायोजन किया है ये निंदनीय है। और जितनी पक्का, आपने कहा जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करके उनको वापस लौटा दिया गया। अब सुनिएगा मेरी बात, आप बता दीजिएगा वो मांगे पूरी हुई या नहीं हुई। एमएसपी को लेकर कमेटी बनी कि नहीं जो बनाने का जिक्र किया था? कमेटी बनी एमएसपी को लेकर? नहीं, कमेटी की बात ही नहीं है ना, जब तीनों कानून वापस हो। सर कमेटी की बात क्यों नहीं है जब देश के आपने कहा कि कमेटी बनाएंगे, आपने कहा एमएसपी को लेकर कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाई आपने? नहीं बनी, अभी हमने नहीं बनाई, बनाएंगे उसको? नहीं बनाई ना। आप सुनिए अगला सवाल, आपने कहा था कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं पुलिस केस वापस लिए जाएंगे, लिया आपने? ये केंद्र सरकार का काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है जी। अब अगला सवाल सुनिए, मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की गई थी किसानों की तरफ से, क्या वो मांग पूरी हुई? लखीमपुर खीरी कांड, अरे मंत्री जब दोषी नहीं है तो किस बात की वो कौन सी डिमांड? आपने कैसे तय कर लिया कि वो दोषी है या नहीं? प्रायोजित राजनीति कर रहे हैं वो, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग थी ना? मंत्री को हटा देंगे, मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग थी ना, दोषी है या नहीं है वो तिलक चावला तय नहीं कर सकते, ना संदीप दुबे तय कर सकते। आप ऐसी किसी को अनजान को झूठे मूठे एक मिनिस्टर को झूठे मूठे बातें कर करके उसको आप फंसाने का काम करेंगे? अच्छा, झूठ मूठ बात पे, उसके लिए पुलिस आपने आपने मान लिया ना, चार्जशीट तो दाखिल हो गई। ओके, अब मुझे एक और सवाल, चौथा सवाल, फिर मैं पंडित जी के पास जा रहा हूं। पराली जलाने के बाद जो क्लॉज का जिक्र था 14 और 15, उसको हटाया गया? अरे तो केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाती है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ही मुझे कह रहे थे, आप ही मुझे समझा रहे थे ना कि तिलक चावला सारी तो मांगे मान ली। मैंने चार सवाल पूछे आपसे, राज्य सरकारें बनाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा? अच्छा, तो आप तो कह रहे थे सारी मांगे मान ली, बनाना है कानून तो आप तो कह रहे थे सारी मांगे मान ली, पंजाब सरकार बनाएगी, आप तो कह रहे थे सारी मांगे मान ली, मान ली ना तीनों कानून वापस। मैंने आपके सामने चार सवाल पूछे,
आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए साहब बात तो कानून लाना आपकी जिम्मेदारी थी। बात ये है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो चूक हुई है। अच्छा ये सवाल नहीं पूछू मैं आपसे, ले रही है या नहीं ले रही है? अच्छा ये सवाल नहीं पूछू क्योंकि मीडिया ने गोदी मीडिया नहीं पूछ रही आपसे, इसलिए मैं ये सवाल ना पूछू। आप इस विषय को दूसरे तरीके से कह रहे ना सर अभी तक आपको। अच्छा आपकी पसंद का सवाल पूछो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार संदीप दुबे आपकी पसंद का सवाल अलग अलग अधिकार है, राज्य सरकार अपने तरीके से कानून बना सकती है। गजब बहुत बढ़िया, ये स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है जब आप बिना चर्चा के कानून ले आते तब स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता। किसी राज्य से नहीं पूछा जाता, किसानों से नहीं पूछा जाता, कानून ले आते हैं फिर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है सर ओके। मैं एक बात पंडित जी जानना चाह रहा हूं, अब मैं मान लूं कि अगर आप लोग आप इससे विरोध को जायज मानते हैं, आप ये कहते हैं कि असली वजह इसके पीछे ये है विरोध का तरीका गलत है, लेकिन फिर भी सवाल मेरा यही है, मैं मान लूं कि आप लोग पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की रैली नहीं होने देंगे? नहीं, फिर वही बात आप कह रहे हैं ना, हमारा विषय यही था कि जिस चीज को लेकर के आंदोलन हुआ था, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस आंदोलन की वापसी करवाई थी, उस चीज को क्यों नहीं अभी तक पूरा किया जा रहा है, उसको तत्काल पूरा कर दिया जाए। टकराव हुआ क्यों, क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन टकराव हुआ ये बिल्कुल साफ है। तो कम से कम ऐसी स्थिति आपको लगता कि भविष्य में कहीं ना कहीं एक और विवाद को जन्म दे रही है? जहां आपका राज्य है वहां आप घुस नहीं सकते, जहां आपका राज्य नहीं है वहां आप खुले तौर पर रैलियां करेंगे, तो आपको लगता कि एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई राजनीतिक दलों के भीतर? इतनी बड़ी कोई चूक नहीं है, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मैं सरकार नाम नहीं ले रहा हूँ, जोर देके कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बना रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे जो कार्यकर्ता थे उनकी स्थिति बहुत खराब है। आज भी कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं पब्लिक उनको दौड़ा रही है, भगा रही है, क्योंकि एक साल तक पंजाब का किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा रहा और ये केंद्र सरकार बात नहीं कर रही थी, तो किसानों की गुस्सा बहुत स्वाभाविक है और किसानों का एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है।